हेलो एवरीवन अवर टुडे इस टॉपिक इज मैरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग एंड फीचर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी तो आज हम देखेंगे मेरिट्स क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की यानी इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट इज इक्वैलिटी इन वोटिंग स्टेटस हमने फीचर्स में भी देखा था कि यहाँ पे जो भी सबको एक वोटिंग राइट right मिलता है ठीक है इक्वलिटी रहती है सबको वोटिंग राइट में ठीक है तो वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कॉपरेटिव सोसाइटी है वो किस सिस्टम पे काम करती है डेमोक्रेटिक सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी होता है प्रजातंत्र जैसे हमारे इंडिया में है डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे क्या होता है कि हमें राइट right होता है अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का ठीक है हर मैन एक वोट देने का राइट uh, right रखता है ठीक है तो ये क्या होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट यहाँ पे एक मैन का एक ही वोट काउंट किया जाएगा ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम जितने भी मेंबर्स होंगे उनके पास इक्वल राइट right है चाहे वो कितनी भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करें ऐसा नहीं कि जिसने कम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके पास एक वोटिंग राइट right है और जो उससे ज्यादा कैपिटल जो लेकर आया उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इक्वलिटी रहती है वोटिंग स्टेटस में चाहे कंप जो कॉपरेटिव सोसाइटी उसका मैनेजमेंट है चाहे जो भी चीज़ है सब में ही यहाँ पे इक्वलिटी रहती है ठीक है तो ये इसका ये एक एडवांटेजेस हो गया नेक्स्ट इसका एडवांटेज इज लिमिटेड लाइबिलिटी यानी जो उसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है ओके लाइब्रिटीटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ठीक है लाइब्रिटी लिमिटेड होगी कितनी लाइबिलिटी होगी जितना उन्हें कंपनी में कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है ठीक है जितनी उन्हें कैपिटल उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाई है उनकी लाइबिलिटी भी सिर्फ उतनी ही होगी यानी एट द टाइम ऑफ लॉसिज क्रेटर कैन नॉट क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स ठीक है इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है मेंबर्स की तो अगर आ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको फ्यूचर में कभी लॉस होता है तो जो क्रेडिटर्स हैं वो आ, जो भी इसके मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर वो क्लेम नहीं कर सकते ठीक है जितना उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया सिर्फ उनकी उतनी ही लाइबिलिटी है लिमिटेड लाइबिलिटी है ठीक है नेक्स्ट है स्टेबल एग्जिस्टेंस स्टेबल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है जैसे कि अगर हम सोल प्रोप्रेटर के केस में देखें तो वहां पे जो ओनर है उसकी अगर डेथ हो जाती है या वो इंसॉलमेंट हो जाता है या कोई परमानेंट डिसीज हो जाती है तो वो बिजनेस उसका वहां पे बंद हो जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पे कॉपरेटिव सोसाइटी के, के केस में ऐसा नहीं होता है यहाँ पे इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल रहेगी चाहे कोई भी मेम्बर आए जाए कुछ भी हो ठीक है क्योंकि ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है इसलिए सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस रहती है डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिटेंस ऑफ सोसाइटी किसी मेंबर की डेथ हो जाती है इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कोऑपरेटिव uh, सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता है ठीक है स्टेबल एक्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लॉन्ग पीरियड के लिए अपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी चाहे उसमें कोई भी पार्टनर आए जाए कुछ भी हो ओके नेक्स्ट एडवांटेजेस है इसका इकोनॉमिकल फंक्शनिंग इकोनॉमिकल फंक्शनिंग से क्या मतलब है कि Uh, जो भी इसका डे टू डे एक्टिविटी है या जो इसमें खर्चा कम होता है ठीक है इकोनॉमिकल रहता है यानी कि इसमें खर्चा कम होता है कोपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए ऑपरेशन इज़ इकोनॉमिकल यानी जो भी इसका ऑपरेशन होगा जो भी इसका कोऑपरेटिव uh, सोसाइटी चलाने का खर्चा होगा वो इकोनॉमिकल होता है बजट फ्रेंडली होता है ठीक है मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स क्योंकि जो भी मोस्ट ऑफ़ द एक्टिविटीज़ होती हैं कोऑप्रटिव सोसाइटी वो में वो सारे मेंबर्स आपस में ही परफॉर्म करते हैं ठीक है किसी को ऐसे हायर नहीं करते हैं स्पेशली मोस्ट ऑफ़ द एक्टिविटीज़ मेंबर्स ख़ुद ही परफॉर्म करते हैं और वाइल परचेसिंग गुड्स मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड ठीक है जब वो गुड्स खरीदते हैं हमने पहले भी इसके uh, जब हमने मीनिंग की बात की थी तो हमने देखा था कि मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं डायरेक्ट कंपनी से वो माल खरीदते हैं जिसके कारण क्या होगा उनको कॉस्ट उसकी कम पड़ेगी ठीक है मार्केट में अगर कोई चीज़ सौ रुपये की मिल रही है वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे तो उनको सत्तर रुपये की पड़ेगी ठीक है तो मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं तो गुड भी उनको गुड्स के कॉस्ट पर मिलते हैं लोअर कॉस्ट पर मिलते हैं ओके डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टॉक भी वो लोग मेंटेन करके नहीं रखते हैं ठीक है इसकी बहुत ज़्यादा स्टॉक अगर लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी करना पड़ेगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्टॉक भी वो लोग लेकर नहीं रखते हैं ड्यू टू कैश ट्रेडिंग देर आर नो बैड डेट्स और जो भी वो लोग ट्रेडिंग करेंगे जो भी सेलिंग करेंगे वो लोग कैश लो में करते हैं सारी तो कोई बैड डेट्स है ना कि कोई पैसा डूबने के चांस भी यहाँ पर नहीं रहते हैं ओके सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यानी इनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में या सेलिंग एक्सपेंस करने में बहुत बहुत ज़्यादा उनकी ये एक्सपेंसेस नहीं होते हैं ठीक है तो एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एक्सपेंस भी उनके नहीं होते इसलिए उसमें भी उनकी सेविंग होती है कैपिटल की ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अब इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है क्यों करती है क्योंकि ये वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं पर्सनस के ठीक है प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन जो एम होता है वो नहीं होता सेकेंडरी एम होता है मेन एम होता है कि इनके मेंबर्स का वेलफेयर करना ठीक है तो इसलिए इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो गेट वेरियस बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है वेरियस कंसेशन एंड रिबेट इन टैक्सेस जो भी कंसेशन uh, देती है उनको टैक्सेस में उनको रिबेट देती है छूट देती है गेट रॉ मटेरियल एट सब्सिडाइज रेट जो रॉ मटेरियल रहते हैं वो गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज रेट पे देती है जैसे किसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है हंड्रेड रुपीज़ है तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल कराएगी उसको ठीक है यानी कि सिक्सटी रुपीज़ सेवेंटी रुपीज़ कम रेट में अवेलेबल कराती है ठीक है और गवर्मेंट ऑफर लोन एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अगर लोन वगैरह वो लेंगे तो उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो उनसे कम चार्ज किया जाता है टू तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इंटरेस्ट जो अगर लोन लेते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम चार्ज किए जाते हैं इनसे ठीक है तो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है नेक्स्ट इज़ ईजी टू फॉर्म यानी इसको फॉर्म करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना जो है वो ईजी है ओके फॉर्मेशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है टेन एडल्ट मेंबर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट आर रिक्वायर्स इसमें आपको टेन एडल्ट मेंबर्स की रिक्वायर्ड होती Minor members, है ठीक है माइनर नहीं एडल्ट मेंबर्स जिनका इंटरेस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो रजिस्ट्रेशन इज सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी भी है लेकिन वो सिंपल होता है डज नॉट इन्वॉल्विंग एनी लीगल फॉर्मेलिटी कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं ओके okay, तो ईजी टू फॉर्म है नेक्स्ट इज ओपन मेंबरशिप हमने कल फीचर्स में भी देखा था कि इसकी मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट फ्रीड रिलीजन कोई किसी भी कास्ट का हो किसी भी रिलीजन का हो वो कॉपरेटिव सोसाइटी में अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो उस पर्टिकुलर कॉपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है ठीक है एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर कोई भी मेंबर बन सकता है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट फ्रीड और रिलीजन कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर हिंदू लोगों की कोई कॉपरेटिव सोसाइटी तो उसमें कोई अदर रिलीजन का बंदा उसमें ज्वाइन नहीं कर सकता ऐसा कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव वेन एवर दे डिजायर सो जब भी पर्सन चाहे उसको ज्वाइन कर सकता है जब उनको लगे कि नहीं अब मुझे लीव करना है तो वो लीव भी कर सकते हैं कोई ज़्यादा उसमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ठीक है वो अपनी आ, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पर्सन इसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं लीव भी कर सकते हैं ठीक है थीके? एक उनको नोटिस देना होता है सिंपली ठीक है तो ये हैं इसके आ, सारे एडवांटेजेस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से क्या इसकी मेरिट्स हैं क्या, है, क्या एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के इक्वेलिटी इन वोटिंग स्टेटस यानी कि सभी के पास वन मैन वन वोट वोट काउंट होगा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट होते हैं चाहे कोई कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे उससे फर्क नहीं पड़ना है ठीक है नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी यानी जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी जितना उन्होंने कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया अगर है अगर लॉस होगा तो जो क्रेडिटर्स हैं वो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस यानी कितने भी पार्टनर मेंबर्स आए जाएँ कुछ भी हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है लॉन्ग पीरियड तक की एग्जिस्टेंस में रहती है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग यानी बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है ठीक है सारे ही क्योंकि मेंबर्स ही आपस में सारे काम कर लेते हैं ठीक है थीके? और जो भी हीरो गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं जिससे उनको लो कॉस्ट पे पड़ता है ठीक है बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो पैसा डूबने का डर नहीं रहता है और एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एक्सपेंस भी इनको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इनसे टैक्स के रेट भी लो लेती है ठीक है कंसेशन मिलते हैं इनको रिबेट्स मिलते हैं ठीक है इनको लोन वगैरह भी वो लोग कम इंटरेस्ट रेट पर लोन गवर्नमेंट इनको ऑफर करती है कोऑपरेटि सोसाइटीज़ को नेक्स्ट इज ईजी टू फॉर्म यानी बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है टेन एडल्टबर्स की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है ओके ओपन मेंबरशिप यानी कि कोई भी इसका मेंबर बन सकता है कोई भी कास्ट क्रीड या रिलीजन के बेस पे इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है जब मेंबर चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हैं जब चाहे उसको लीव भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आई होप दैट टूडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी डी ऑफ कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग